सो जो हमारी साइट थी वो कुछ इतनी जो है वो बनी थी, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी एक हमें पेज नजर आ रहा था, जिसमें हमें एक चीज ये नजर आ रही है, एक हमें मेन मेन्यू नजर आ रहा है, एक हमें लॉगिन फॉर्म नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे चंक्स हैं ना, जहां पर मेन मेन्यू नजर आ रहा है, ये लॉगिन फॉर्म नजर आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ब्रेड क्रम्ब है। ब्रेड क्रम्ब हमने अपने वेब के कोर्स में भी देखा हुआ है कि ब्रेड क्रम्ब क्या आपकी नेविगेशन में आपकी लोकेशन बता रहा होता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर ये बता रहा है कि आप किधर हैं इस टाइम, आप होम से आगे डेस्कटॉप एप्स डेवलपमेंट वाले किसी पेज पर हैं, ठीक है, ये चीज बता रहा है। वापस हम जाते हैं, तो ये जो चीजें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है ना, इनकी लेआउट के मुताबिक कोई पोजीशन वगैरह होती है, जिसको हम जो प्री डिफाइंड पोजीशंस होती हैं इधर हम रख सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, ये करते क्या हैं, ये इनका मतलब क्या है। अगर हम थोड़ा सा वर्डप्रेस, हो सकता है आप लोगों को आइडिया हो कुछ को, वर्डप्रेस की जो टर्म्स हैं वो जरा इससे सिंपल है। वो एक सिंपल टर्म यूज करता है, प्लगइन का टर्म वो यूज करता है जब आपने किसी चीज को एक्सटेंड करना होता है। लेकिन यहाँ पर चीजें फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए हमारे पास एक एक चीज, किसी को प्लगइन कहते हैं, एक को हम मॉड्यूल कहते हैं, एक को हम एक्सटेंशन कहते हैं। इन चीजों में जाने से पहले एक दफा हम दोबारा से क्या करेंगे, आर्टिकल एक छोटा सा लिखेंगे ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं। ओके, जस्ट अब यह देख रहे हैं, ये एक मैं एक्सटेंशन ट्राई कर रहा था, COVID-19 का ट्रैकर, जो लाइव जो है यहाँ पर आपको रिपोर्ट शो करवा रहा होता है, और दिस वाज जस्ट विद इन अ कपल ऑफ क्लिक्स, ठीक है। मुझे एक्सटेंशन डाउनलोड करनी थी और अपलोड करके बस सेट करनी थी, ठीक है। इसी तरह से अगर ये जो मैप है कोविड का, ये जो आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पर, इसकी पोजीशन ऑल दो मैंने इस इधर रखी हुई है, ये मैप भी बिल्कुल मिसाल के तौर पर मैं जिस कंट्री पर लेकर जाता हूँ, ये मुझे उधर के केसेस वगैरह शो करवा रहा है। ये बिल्कुल एक्सटेंशन एक सिंपल सी इंस्टॉल करें और अपनी वेबसाइट में इन चीजों को ऐड कर लें, ये इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर मिसाल के तौर पर अब ये जो चीज है, हु इज ऑनलाइन, ये यहाँ पर बता रहा है कि आपके पास 3 गेस्ट ऑनलाइन है। इसका क्या मतलब है, ऑनलाइन तो मैं ही हूँ अभी अकेला, लेकिन मैं बताता हूँ ये 3 क्यों शो करवा रहा है। क्योंकि मैं इस पर कुछ टेस्टिंग कर रहा था, तो मैंने मुख्तलिफ टैब से इसमें जो है इस वेबसाइट को व्यू कर रहा था, ठीक है। तो वो टैब्स अभी कुछ मैंने शायद बंद भी नहीं थी, कि कुछ दूसरे ब्राउजर में थी, इसलिए ये 3 गेस्ट शो करवा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसके बैक एंड में जाऊं और यहां से हम इसको लेकर चलते हैं दोबारा, ओके, यहाँ पर इसका क्या था, ओके, ये हमें वही शो हो रहा है, इसका इंटरफेस शो हो रहा है, ठीक है। हमने क्या किया था, कैश फ्लो, ठीक है, जुमला का कैश फ्लो, कौन बताएगा जुमला का कैश फ्लो क्या होता है? सर पहले ऐड कैटेगरी, फिर वो सर उसको आर्टिकल और फिर शो। ठीक है, और इसमें शो किस तरह से करवाते हैं, शो करवाने का क्या तरीका कार है? सर पब्लिश करते हैं। नहीं, पब्लिश तो खुद ही हो जाता वो। जी अरबाब, आप बताओ। सर मेन मेन्यू में जाके आइटम्स पे जाके, यहाँ पे मैनेज आइटम यानी कि ऐड ओके, करना गुड है, वहाँ पे जाके गुड उसको ऐड गुड, करना है। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉन्टेंट्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं कोई एक नई कैटेगरी भी ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कोई एक कैटेगरी ऐड करता हूँ, ठीक है। कैटेगरी हम ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम हम कुछ डेस्कटॉप वगैरह कर रहे थे, इसमें हम करते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई उसी तरह से लेकर चलते हैं, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पर इस कैटेगरी की अगर आप डिस्क्रिप्शन देनी है तो वो दे लें। यहाँ पर एक कैटेगरी मैं इसको 7 क्लोज करता हूँ। लास्ट टाइम हमने मेन्यू में कैटेगरी शो करवाई थी, अब हम शो करवाएंगे
कि किस तरह से हम सिंगल आर्टिकल मेन्यू में शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी के बाद मैं क्या करूंगा, कंटेंट में जाता हूं, आर्टिकल्स कुछ लिखता हूं। हम यहां से डमी टेक्स्ट ले लेते हैं लोरम इप्सम का, और ओके इस तरह से ये टेक्स्ट जो है हम ले लेते हैं। ओके, यहां पर जाकर मैं एक टेक्स्ट को पेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा और टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ जनरेट करवा लेते हैं 5 पैराग्राफ और। इसको कॉपी करते हैं और यहां पर जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, आर्टिकल को हम टाइटल देते हैं, फॉर एग्जांपल अबाउट, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट ओवरव्यू। इसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं कि ये वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेव एंड न्यू करते हैं। सेव एंड न्यू का ऑप्शन क्या करता है, आपके आर्टिकल को सेव कर देगा और नया आर्टिकल क्रिएट करेगा। ठीक है, सेव एंड न्यू का ऑप्शन ये करता है, आपके आर्टिकल को सेव कर देता है और न्यू ऑप्शन जो है वो न्यू जो आर्टिकल है वो क्रिएट करता है। सो यहां पर हम लिखते हैं वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, और यहां पर मैं कुछ आर्टिकल इसका लिख देता हूं थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल देर आर, ओके इसको हम हेडिंग 1 कहते हैं, और यहां पर मैं कहता हूं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। इसको अगेन मैं जरा चेंज कर दूं हेडिंग 1 में, और यहां पर मैं 1, 2, 3 करके लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल एंगुलर जेएस, यहां पर हम लिखते हैं बूटस्ट्रैप 4, यहां पर हम लिखते हैं रिएक्ट जेएस, और इसी तरह से कुछ और हम लिख देते हैं मटेरियल यूआई, और फॉर एग्जांपल टेलवाइंड सीएसएस, और थोड़ा सा आर्टिकल मजीद आगे इसमें चीज ऐड कर देते हैं। यहां पर हम कहते हैं बैकएंड फ्रेमवर्क्स, उसमें भी हम कुछ लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल कोड इग्नाइटर लारावेल केक पीएचपी एक्सेट्रा। ओके, ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद हम इसको कैटेगरी वेब डेवलपमेंट में रखते हैं, और अगेन सेव एंड न्यू करके एक और आर्टिकल मैं ऐड कर दूं ताकि पता चल जाए। मीटिंग का टाइम मेरे पास यहां पर आ रहा है, 3 मिनट हमारे पास बाकी हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग शुरू करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग की इनविटेशन मैं आपको भेज दूं। ओके, यहां पर मैं इसी कंटेंट को पेस्ट कर रहा हूं। सो अभी हमने सिर्फ 3 आर्टिकल्स बनाए हैं, नेक्स्ट मीटिंग में हम इनको दोबारा से शो करेंगे। पिछली दफा हमने क्या शो किया था हम उसमें, और इस दफा हम किस तरह से शो करेंगे इसमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सटेंशंस में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, और फिर इंशाल्लाह से जो है हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर से स्पीड अप कर देंगे जुमला को, और नेक्स्ट वीक में हम इस पर एक वेबसाइट बनाएंगे कंप्लीट। इस तरह की नहीं है, तो बस एक अभी हम इसके बेसिक टूल्स देख रहे हैं ना कि पता चल जाए एक दफा हमें कि ये करना क्या क्या है इसमें। उसके बाद हम एक चीज होती है पेज बिल्डर भी देखेंगे, और उसके बाद हम इंशाल्लाह वर्डप्रेस पर शिफ्ट कर देंगे, और ज्यादा टाइम सबसे ज्यादा कोर्स का हिस्सा जो है वो वर्डप्रेस पे होगा। अगर हमें एंड पर ड्रूपल को कम करना पड़ा या बिल्कुल उसका इंट्रोडक्शन तक लेकर जाना पड़ा तो हम वो करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा काम हम वर्डप्रेस पे करेंगे। सो नेक्स्ट मीटिंग हम ज्वाइन करते हैं, अभी मैंने शेयर कर दिया आपको क्लासरूम में, तो उधर से ज्वाइन कर लें। थैंक यू। ओके, अभी हम बात कर रहे थे कि हमने आर्टिकल्स जो है वो 3 लिख लिए। ठीक है, आर्टिकल लिख लिए अभी, यानी कि हमने क्या किया है कि हमने आर्टिकल, सबसे पहले हमने कैटेगरी बना ली, उसके बाद हमने आर्टिकल्स लिख लिए। आर्टिकल्स लिखने के बाद अब हमने क्या करवाना है, शो करवाना है। ठीक है,
शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर सेव एंड क्लोज में जाता हूँ और अभी हमें देखना है कि मेन्यू हमारा किस तरह से शो होता है. सो अभी फॉर एग्जांपल हम जाते हैं अपने यहाँ से, पहले मैं आपको डैशबोर्ड पर ले जाऊं. डैशबोर्ड पर जाने के बाद मैं मेन्यूज पर क्लिक करता हूँ और मैं मैनेज पर क्लिक करता हूँ. ठीक है, यहाँ पर दो मेन्यूज नजर आ रहे हैं. ठीक है, इन ये दो कौन से हैं, पहले मैं ये आपको दिखा दूं. ठीक है, ये दो मेन्यूज कौन से हैं पहले ये मैं आपको दिखा दूं. ओके, एक ये नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर मेन्यू का नाम पढ़ूं तो ये बता रहा है कि ये मेन्यू कौन सा है, इस मेन्यू का नाम क्या है, अबाउट गिफ्ट यूनिवर्सिटी, और दूसरा मेन्यू कौन सा है, मेन मेन्यू. ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मेन मेन्यू है और ये दूसरा मेन्यू है अबाउट गिफ्ट यूनिवर्सिटी वाला. ठीक है, इन दोनों को अगर मैं अनपब्लिश कर दूं, इन दोनों को अगर मैं अनपब्लिश कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इनको मैं ओपन करता हूँ, इसको भी ओपन करता हूँ, इसको भी ओपन करता हूँ, और इसको भी अनपब्लिश. ओके, यहां से अनपब्लिश कर देता हूं और इसको भी मैं अनपब्लिश कर देता हूं. ठीक है, तो अब हम जरा अपने साइट की लुक देखें तो मेरे पास वो जो मेन मेन्यू तो हमें नजर आता रहता है, जो हमारा दूसरा मेन्यू था वो यहां से निकल गया. अब मैं यहाँ पर नया मेन्यू ऐड करता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं न्यू पर क्लिक करूंगा. न्यू पर क्लिक करके मैं मेन्यू का टाइटल दूंगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वेब डेवलपमेंट. बेसिकली आइडिया क्या होता है कि आप अक्सर ये प्रैक्टिस होती है कि आप जो आपकी जो आपकी कैटेगरी का नाम होता है वही नाम आप मेन्यू को दे रहे होते हैं. ठीक है, मेन्यू टाइप, ठीक है, इसको हम कह देते हैं अबाउट. और अबाउट का क्या मतलब है, ये मेन्यू टाइप्स हैं, इस पर हम थोड़ा ठहर के डिस्कस करते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी हम इसको कह रहे हैं अबाउट. और इसको हम करते हैं सेव एंड क्लोज. सेव एंड क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, मेन्यू में ओके मेन्यू आइटम अबाउट एग्जिस्ट, मैं पहले उसको डिलीट कर लूं, जस्ट अ मिनट, लेट मी गो बैक टू दिस थिंग एंड डिलीट. न्यू मेन्यू, वेब डेवलपमेंट, और यहां पर मेन्यू टाइप में जाकर हम इसको कहते हैं अबाउट, और यहां पर हम इसको कह देते हैं सेव एंड क्लोज. ठीक है, ओके, सेव एंड क्लोज कर दिया. यहां पर अभी अगर मैं अपनी साइट पर जाऊं तो क्या मुझे कुछ शो होगा, यहाँ पर अभी मुझे कुछ भी नहीं शो हो रहा. ठीक है, यहाँ पर अभी मुझे कुछ भी नहीं शो हो रहा जो मैंने नया मेन्यू बनाया. इस नए मेन्यू को शो करवाने के लिए मुझे सबसे पहले तो इसके अंदर मेन्यू आइटम्स ऐड करनी है. ठीक है, मेन्यू आइटम बेसिकली क्या है, ये जो चीज है ना, ये जो टाइटल वगैरह नजर आ रहा है ये क्या है, आपका मेन्यू. इसके अंदर ये जो आइटम एक पड़ी हुई है ये क्या है, मेन्यू आइटम. ठीक है, और मेन्यू आइटम मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है. लास्ट टाइम हमने सिर्फ एक ही मैंने बोला था कि आप इस पर क्लिक कर दें, बस अभी हम ये कैटेगरी को देखेंगे. तो मेन्यू का टाइटल यहां पर हम रख देते हैं वेब, सॉरी इसका टाइटल हम रखेंगे क्या था, हमने पहला आर्टिकल वेब डेवलपमेंट ओवरव्यू जी तैमूर. अच्छा, वेब डेवलपमेंट ओवरव्यू. ठीक है, यहाँ से अब मेन्यू टाइप हमने सेलेक्ट करनी है. मेन्यू टाइप
बेतहाशा किस्म की हैं, ठीक है। आर्टिकल से रिलेटेड है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से रिलेटेड है, कॉन्टेक्ट से, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जिन सबसे ज्यादा आपका जो इसमें करना होगा काम वो आर्टिकल के साथ करना होगा, ठीक है। तो आर्टिकल पे जाता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या सिलेक्ट किया था, किसी को याद है? लास्ट टाइम हमने सिलेक्ट किया था कैटेगरी ब्लॉग। इसको मैं जरा अगर जूम इन करूं तो ये साथ मुझे बता रहा है कि ये मेन्यू करेगा क्या। अगर कैटेगरी ब्लॉग पर मैं क्लिक करता हूं तो वो बता रहा है डिस्प्लेज द आर्टिकल इंट्रोडक्शन इन अ सिंगल और मल्टी कॉलम लेआउट। इसको भी हम दोबारा ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि सिंगल आर्टिकल, सिंगल आर्टिकल का मेन्यू आइटम टाइप क्या होगा कि इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो जब ये ओपन करेगा आर्टिकल तो वो सिंगल आर्टिकल शो करवा रहा होगा। इस पर मैं जरा क्लिक करके आपको बताता हूँ। ये मैंने इसकी टाइप क्या रखी है, सिंगल आर्टिकल। मैं जरा वापस उसको जूम आउट कर लूं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं हम, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने इसमें जो चीजें बतानी होती हैं, सबसे पहले मेन्यू का टाइटल बताना है, उसके बाद मेन्यू की टाइप बतानी है, उसके बाद आपने आर्टिकल सेलेक्ट करना है कि मेन्यू आइटम में कौन सा आर्टिकल आप क्लिक करवाना चाह रहे हैं। यहाँ से हम ये वाला वेब डेवलपमेंट ओवरव्यू वाला आर्टिकल करवाना चाह रहे हैं, और उसके बाद हम इसको करते हैं सेव एंड न्यू। हमने तीन आर्टिकल लिखे थे तो हम तीन मेन्यू आइटम बनाएंगे, ठीक है। अब अगला मेन्यू आइटम मैं बनाता हूँ। यहाँ पर मेन्यू टाइटल हम देते हैं वेब, क्या था, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, ठीक है। इसमें हम जाते हैं मेन्यू आइटम टाइप में, अगेन इसको भी सिंगल आर्टिकल करेंगे, और यहाँ पर जब मैं सिंगल आर्टिकल पर क्लिक करूंगा पेज एक दफा रीलोड होगा, और रीलोड होने के बाद वो बोलेगा कि मुझे कौन सा आर्टिकल आपने सेलेक्ट करना है। मैं ये वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स का आर्टिकल सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ओके, एक चीज मैं मिस कर गया हूँ पिछले भी मेन्यू आइटम में, उसमें साथ में हमने यहाँ पर ये बताना था कि ये देख रहे हैं, एक मिनट, ये लिखा आ रहा है मेन्यू कि ये वाला लिंक कौन से मेन्यू में शो करवाना है। मैंने मेन मेन्यू में नहीं शो करवाना, मैंने ये जो नया मेन्यू मैं बना रहा हूँ वेब डेवलपमेंट का, इसमें शो करवाना है, ठीक है। अब इसको मैं जरा सेव एंड क्लोज करता हूँ, और सेव एंड क्लोज करने के बाद मैं पिछले आर्टिकल को भी ठीक कर लूं, पिछले मेन्यू पिछला मेन्यू। सर ये ड्रॉप डाउन ऐड कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये ड्रॉप डाउन का इफेक्ट तो हम बाद में दे सकते हैं, लेकिन जस्ट अ मिनट, ये किस तरह से शो होगा वो मैं बताता हूँ। वो वाला यहाँ पर हमारे पास मेन मेन्यू में चला गया, उसको मैं एडिट कर लूं। इसका वेब डेवलपमेंट सेव एंड क्लोज, और अब हम अपने ओके इसमें आ गए वेब डेवलपमेंट के मेन्यू में, और यहां पर जाकर हम अब नया मेन्यू टाइटल देते हैं। तीसरा आर्टिकल था वेब सिक्योरिटी, ओके। यहां पर मेन्यू आइटम टाइप आर्टिकल सेलेक्ट करके सिंगल आर्टिकल करता हूं, और उसके बाद पेज अगेन हमारा रिफ्रेश होगा, उसके बाद वो कहेगा सेलेक्ट करो आर्टिकल। आर्टिकल मैंने सेलेक्ट कर लिया। आर्टिकल सेलेक्ट करने के बाद वो क्या कह रहे हैं कि आपने मेन्यू सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ से वेब डेवलपमेंट का मेन्यू सेलेक्ट कर देता हूँ, और बाय द वे यहाँ पर नीचे दो और ऑप्शन है, टारगेट विंडो। टारगेट विंडो पेरेंट का क्या मतलब है कि जिस मिसाल के तौर पर अगर मैं ये है, इसको मैं होम पर क्लिक करता हूं तो ये इसी विंडो में शो करवाता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है टारगेट विंडो इसकी क्या है, पेरेंट है। अगर ये मैं होम पर क्लिक करूं और दूसरी न्यू विंडो में शो करवाए तो वो दूसरा होगा हमारे पास, न्यू विंडो विद नेविगेशन, न्यू विंडो विदाउट नेविगेशन, ठीक है। न्यू विंडो विद नेविगेशन और विदाउट नेविगेशन का क्या मतलब समझ आता है, कोई बच्चा बताएगा? सर ये विद नेविगेशन ये होगा जो उनसा नेविगेशन बार है वो उसके साथ शो करवाएगा, और विदाउट नेविगेशन उसके बगैर करवाएगा। एग्जैक्टली, जस्ट बिल्कुल नाम से हमें पता चल रहा है कि एक में नेविगेशन होगी और एक में नेविगेशन नहीं होगी। उसके बाद टेम्पलेट स्टाइल,
टेम्पलेट पे अभी हमने बात नहीं की, हमने वेबसाइट के लेआउट पे बात नहीं की कि ये कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, बिल्कुल हमने बात नहीं की। अब बड़ी अजीब सी बोरिंग सी अभी हमारी लग रही है, लेकिन हम इस पर भी देखेंगे। तो जब हम टेम्पलेट्स की बात करेंगे तो हम तब इस ऑप्शन को छेड़ेंगे। ओके, इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब मैंने क्या किया, शो करवाने के लिए मैंने मेन्यू बनाया और उस मेन्यू में मैंने मेन्यू आइटम्स भी रख दी। क्या अब ये मेरे पेजेस पे शो होगा? अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और देखता हूं तो ये अभी भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब मैं जरा आपको बता दूं, एक मिनट इसको मैं क्लोज करूं, मेन्यूज। ओके ओके, यहां पर लिखा आ रहा है कि एड मॉड्यूल फॉर दिस मेन्यू। ठीक है, एड मॉड्यूल फॉर दिस मेन्यू पर मैं क्लिक करता हूं तो वो कहता है कि क्या ये कुछ चीजें वो मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात आती है कि मॉड्यूल हम किसे कहते हैं। किसी ने खुद चीजें एक्सप्लोर की हो तो कोई बताएगा कि मॉड्यूल क्या है। ओके, तो ये अगर मैं एक्सटेंशंस में जाऊं और एक्सटेंशंस में जाकर मैं इस पर क्लिक करता हूं मॉड्यूल्स पर, तो ये मुझे कुछ मॉड्यूल्स शो करवा रहा है जो मेरी साइट पर अभी चल रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सा है जी? स्विच लैंग्वेज वाला है, मेन मेन्यू है, हु इज ऑनलाइन है, कोरोना वायरस लाइव ट्रैकर है। ठीक है, मॉड्यूल बेसिकली क्या होते हैं? ये कह लें छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज होती हैं जो आपके जो कह लें आसान लफ्जों में आपकी डेटाबेस वगैरह से चीजें फेच करके शो करवा रही होती हैं। ठीक है, ये होते हैं मॉड्यूल्स और ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अगर मैं यहां से न्यू मॉड्यूल पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे बता रहा है कि किस किस्म का आपको मॉड्यूल चाहिए। यहाँ पर मेरे पास एक मॉड्यूल है आर्टिकल, आर्टिकल्स आर्काइव्ड का, आर्टिकल की कैटेगरी का, आर्टिकल की सिंगल कैटेगरी का, आर्टिकल लेटेस्ट का, मोस्ट रीडेड आर्टिकल का, उसके बाद बैनर्स का, ब्रेड क्रम्स का। ये जो कोरोना वायरस लाइव ट्रैकर है, ये मॉड्यूल मैंने खुद इंस्टॉल किया। इसका क्या मतलब है कि हम नए मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें कौन सा मॉड्यूल चाहिए? मेन्यू का। ठीक है, तो मेन्यू के मॉड्यूल पर मैं क्लिक करूंगा क्योंकि मैं मेन्यू शो करवाना चाह रहा हूं, तो मेन्यू का मॉड्यूल है। और इसमें जो टाइटल देंगे वेब डेवलपमेंट, ठीक है, ये वो टाइटल है जो इसमें शो हो रहा होगा। आप टाइटल शो भी करवा सकते हैं और आप टाइटल हाइड भी करवा सकते हैं। तो यहां पर सेलेक्ट करना है कौन सा मेन्यू है, वेब डेवलपमेंट वाला मेन्यू है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक मिनट, उसके बाद हमने इसकी पोजीशन सेट करनी है। ठीक है, अब यहां पर जब मैंने ये ओपन किए थे मॉड्यूल्स, ये मॉड्यूल्स जो मैंने ओपन किए थे, यहाँ पर आपको ये देखें ये चीज नजर आ रही है ना, पोजीशन 2, 7, 7, 7, 8, 8। ठीक है, अब इस लिहाज से हम पोजीशन सेट करेंगे और ये लेआउट के मुताबिक होती है। इसको जब जैसे हम टेम्पलेट डिस्कस करेंगे मैं बता दूंगा, लेकिन यहां पर पोजीशन के साथ उसका नाम भी लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फुटर से क्या क्या समझ आता है आपको कि ये मेन्यू किधर डिस्प्ले होगा? फुटर में। ठीक है, नेविगेशन से ये डिस्प्ले होता कि ये नेविगेशन में होगा, तो मैं उसको राइट पर जो है यहां पर रख देता हूं। राइट पर रख के मैं उसको करता हूं सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज जब करूंगा और उसके बाद हम अपनी साइट को ओपन करते हैं, और साइट को जब ओपन करेंगे तो ये देखें ये नया मेन्यू मेरे पास आ गया है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के नाम से एक मेन्यू आ गया और उसके अंदर इंडिविजुअल आर्टिकल्स जो थे वो आ रहे हैं। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या शो करेगा, एक सिंगल आर्टिकल शो करेगा। ठीक है, ये इसने सिंगल आर्टिकल शो किया।
अब मैं दूसरे पर क्लिक करता हूँ तो दूसरा क्या शो करेगा, दूसरा भी मुझे सिंगल आर्टिकल शो कर रहा है, तीसरे पर क्लिक करता हूँ तो तीसरा मुझे क्या करेगा, सिंगल आर्टिकल शो करेगा। उसके अलावा जब हम ये कर रहे थे, एक मिनट मैं वापस इसको लेकर जाऊं, मेन्यू आइटम्स जब हम ऐड कर रहे थे, फॉर एग्जांपल ये हमने मेन्यू एक में नई मेन्यू आइटम ऐड करूं, ऑल फॉर एग्जांपल मैं जस्ट इसमें आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि यहां पर ये हमने सेलेक्ट किया था सिंगल आर्टिकल, ठीक है। अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं कैटेगरी ब्लॉग तो वो किस तरह से शो करवाता है, यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले आर्टिकल इंट्रोडक्शन इन अ सिंगल और मल्टी कॉलम लेआउट। कैटेगरी ब्लॉग पर मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, वेब कैटेगरी में इसको कह देता हूं, जस्ट अ मिनट, इसको मैं क्या कह देता हूं, वेब कैटेगरी, और यहां पर वो ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहां पर लास्ट टाइम हम जब ऐड कर रहे थे वो क्या कहता था, आप आर्टिकल सेलेक्ट करें, अब वो हमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि आप क्या सेलेक्ट करें, कैटेगरी सेलेक्ट करें। मैं कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, कैटेगरी हमारे पास ये बनी नहीं है, इसमें से मैं ये वेब डेवलपमेंट वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेब डेवलपमेंट वाली सेलेक्ट करके इसको मैं मेन मेन्यू में रख रहा हूँ, ठीक है, मेन मेन्यू में रख दिया और इसको मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ। तो जब मैं सेव एंड क्लोज करूंगा, सेव एंड क्लोज करने के बाद मैं टेस्टिंग पर जाता हूँ और इस वेबसाइट पर जाता हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे वेब कैटेगरी शो हो रही है। अगेन डिफरेंस आपने देखना, जब मैं वेब कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे ये पहला आर्टिकल, ये एक आर्टिकल शो हुआ, ठीक है, साथ ही उस कैटेगरी के दूसरे आर्टिकल्स भी वो शो करवा रहे हैं, ऑल्दो वो पूरे पूरे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम मेन्यू आइटम ऐड कर रहे थे, मिसाल के तौर, समझ नहीं लगी, एक मिनट मैं बताता हूँ, वापस जाते हैं हम, ये हमने मेन्यू बनाया, इस पे मैं जब वेब डेवलपमेंट ओवरव्यू, या पहले एक चीज समझ लें कि ये जो वेब डेवेल, ये वाला जो मेन्यू है इसमें इंडिविजुअल आर्टिकल्स शो हो रहे हैं, ऐसा ही है, ठीक है जी सर, ऐसे ही है, ओके। और यहां पर जो मेन मेन्यू जो मैंने बनाया है इसमें कैटेगरी मैंने शो करवाई है, ठीक है, और एक कैटेगरी में ज्यादा आर्टिकल्स हो सकते हैं, ऐसी बात की थी हमने, कैटेगरी किस लिए यूज होती है, चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। अब ये जब मैं सिंगल आर्टिकल पर क्लिक करता हूं तो जाहिरी बात है ये मुझे सिर्फ वो एक आर्टिकल का कंटेंट दिखाएगा, ये देख रहे हैं जी, सही है। लेकिन जब मैं कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ उस कैटेगरी में जितने भी आर्टिकल्स होंगे ये मुझे वो दिखाने लग जाएगा, किसी ना किसी लेआउट में ये मुझे बता रहा है कि ये आर्टिकल है, उसके बाद ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये चीज क्लियर हुई है कि नहीं, जी जी हो गई है, ओके। अब हम क्या करते हैं कि हम एक काम करते हैं कि ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं ना सर, इसका मतलब ये जो हम लोगों ने सेपरेटली आर्टिकल्स बनाया ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं? नहीं 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 नहीं, ये जो सेपरेट नहीं, ये मैंने एक तरीका कार बताया है कि आप अगर मैं इस आर्टिकल पर क्लिक करता हूँ ना, ये आर्टिकल बता रहा है कि इसकी कैटेगरी क्या है, वेब डेवलपमेंट है। ये मैं बता रहा हूँ कि आप मेन्यू में सिंगल आर्टिकल भी शो करवा सकते हैं और आर्टिकल की कैटेगरीज भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ वापस अपने आर्टिकल्स पे, ये वाला आर्टिकल था वेब सिक्योरिटी वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और वेब डेवलपमेंट ओवरव्यू, इन तीनों में मैं ऐड करता हूं रीड मोर का टैग। यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर आके मैं इसमें ऐड कर देता हूं रीड मोर, किधर गया रीड मोर, ये सॉरी ये रीड मोर करके मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूं। इसी तरह से यहां पर जाता हूं और इसके बाद मैं रीड मोर ऐड करता हूं और इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूं। सिमिलरली मैं यहां पर जाता हूं और इसमें भी मैं रीड मोर करता हूं
और सेवन क्लोज कर देता हूँ इसको, रीड मोर सेवन क्लोज, और इन आर्टिकल्स को मैं, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब मैं वापस जाता हूँ अपनी इस डेमो साइट पर। तो यहाँ पर अब जब मैं जूम आउट कर लूँ, यहाँ पर अब जब मैं वेब कैटेगरी पर क्लिक करूंगा तो अब देखिएगा क्या हो रहा है। अब वो आर्टिकल्स तो शो करवा रहा है, पहले पूरा पूरा टेक्स्ट शो करवा रहा था, अब क्या कर रहा है, थोड़ा सा टेक्स्ट शो करवा के साथ क्या कह रहे हैं, रीड मोर, थोड़ा सा टेक्स्ट शो करवा के साथ क्या कह रहे हैं, रीड मोर, ठीक है, जिधर जिधर मैंने रीड मोर का टैग ऐड किया था। ओके, ये तो ओके हो गया, लेकिन अब हम जरा वापस जाते हैं अपने मेन्यू में, और मेन्यूज में, मैनेज में हम जाते हैं, मैनेज में जाके हम ये वेब डेवलपमेंट, सॉरी मेन्यू आइटम हमारी किधर गई है, ये मेन्यू आइटम पर मैंने क्लिक किया और हमारे पास वेब कैटेगरी थी ये, ठीक है। वेब कैटेगरी पर जब मैं ओपन करता हूं तो इसका लेआउट मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं। लेआउट से मुराद ये है कि ये किस तरह से शो करवा रहा है, पहले एक आर्टिकल फिर दो कॉलम्स में बाकी आर्टिकल्स, अगर मेरे पास मजीद आर्टिकल होते तो वो नीचे इसी तरह ही दो दो कॉलम्स में आ रहे होते। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं यहां पर जाता हूं, हमारा मेन्यू आइटम क्या है, ये यहां पर लिखा हुआ ब्लॉग लेआउट, ठीक है। अब ब्लॉग लेआउट में वो बता रहा है कि इंट्रो आर्टिकल्स, ये कुछ ग्लोबल, ये यूज ग्लोबल 1, 2, 3 का पता है, ये मैं बताता हूं, ये क्या कह रहा है कि ग्लोबल वैल्यू इसकी क्या है, 1, लीडिंग आर्टिकल कितने शो हो रहे होंगे, 1, इस और लीडिंग आर्टिकल कौन सा है, जिस तरह से ये वेब सिक्योरिटी का आर्टिकल है ना, ये पूरा नजर आ रहा है ना आपको, पूरा से मुराद ये है कि दो कॉलम्स इसने पूरे ऑक्यूपाई किए हुए हैं और नीचे जो है वो एक एक कॉलम में शो हो रहा है, समझ आ रही है इस चीज की, जी जी जी, ठीक है, इसने दो कॉलम पूरे ऑक्यूप, इसको लीडिंग आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट लीडिंग आर्टिकल एक है, ओके, मैं कहता हूँ ठीक है एक ही रहने देते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, मैं कहता हूँ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स बाय डिफॉल्ट दो है ना, इसको तीन कर दो, मिसाल के तौर पर तीन कर दो, ठीक है, तीन कर दो। और उसके बाद आर्टिकल्स का ऑर्डर, आर्टिकल का ऑर्डर क्या है कि बाय डिफॉल्ट क्या है, मोस्ट रिसेंट आर्टिकल सबसे पहले शो हो रहा होता है। अब अगर हम अपने आर्टिकल्स में देखें तो सबसे पहले मैंने वेब डेवलपमेंट का आर्टिकल ऐड किया था, उसके बाद मैंने फ्रेमवर्क्स वाला ऐड किया था, और उसके बाद मैंने वेब सिक्योरिटी का आर्टिकल ऐड किया था, ऐसी बात है। तो सबसे रिसेंट इनमें से कौन सा हुआ, वेब सिक्योरिटी वाला, एग्जैक्टली, ठीक है, वेब सिक्योरिटी वाला जो एंड पे लिखा हुआ है वो सबसे रिसेंट है। तो वो ये भी तरतीब में चेंज कर सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले सबसे पुराना वाला दिखाएं, ठीक है। और यहां पर इतनी सी थोड़ी सी इसमें कस्टमाइजेशन करके मैं इसको सेव एंड क्लोज करता हूं, और सेव एंड क्लोज करने के बाद जैसे ये सेव हो जाता है, ये सेव हो जाता है, तो मैं अपने जाता हूं वेब कैटेगरी के पेज पर, वेब कैटेगरी के पेज पर मैं जाता हूं, तो अब वेब डेवलपमेंट वाला मुझे ऊपर नजर आ रहा है, और ये जो नीचे आर्टिकल्स थे ये अब तीन कॉलम में नजर आएंगे, पहला ये पहले कॉलम में नजर आ रहा है, दूसरा दूसरे कॉलम में, ऑल्दो ये लेआउट जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन ये जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि ये चीजें कॉन्फिगर किधर से होती हैं। अभी हमने इनकी खूबसूरतियों का बात नहीं की कि किस तरह से इनको हमने इसके लेआउट्स को चेंज वगैरह करना, ठीक है, ये थोड़ा सा एक आपको बताना था। इसी तरह से मुख्तलिफ मेन्यू आइटम्स हैं जिनको एक्सप्लोर साथ साथ हम करते रहेंगे, मिसाल के तौर पर हम देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल के टैग्स की मेन्यू आइटम किस तरह से बनानी है, ठीक है। आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चेक करता हूँ कि मेरे fall14cs.wordpress.com, ओके,
यहाँ पर मिसाल के तौर पर जिस तरह से ये रिसेंट पोस्ट वगैरह शो हो रही हैं, इसी तरह से टैग्स भी शो हो सकते हैं। जिस तरह से ये जो चीज मैंने लिखी हुई है ना, ये पास्ट पेपर अनकैटेगराइज या इनको मैं ओपन करूं तो इनमें टैग्स भी दिए हुए हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम टैग वगैरह शो करवा सकते हैं। अभी हमने कोई टैग वगैरह ऐड नहीं किए। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ मेन्यू आइटम्स को यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं जरा अपने कॉम्पोनेंट्स पे। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, सॉरी कॉम्पोनेंट से पहले मैं प्लगइन्स का बता दूं। प्लगइन्स क्या है, जूमला के प्लगइन्स क्या है? ठीक है, प्लगइन एक अगेन यहाँ पर तीन जरा ये जूमला मुख्तलिफ टर्म्स यूज करता है। एक को प्लगइन कहता है, एक को कॉम्पोनेंट कहता है और एक को एक्सटेंशन कहता है। लेकिन ये जो प्लगइन्स होते हैं ये सिंगल पीस ऑफ कोड या सिंगल पीस ऑफ फंक्शनैलिटी होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां पर अगर मैं सो प्लगइन्स आर टाइनी बट यूजफुल एडिशंस टू योर साइट। ईच प्लगइन डज वन सिंपल थिंग। हर प्लगइन कोई एक सिंपल काम कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, One plugin allows your visitor to vote on articles. एक ऐसा plugin हो सकता है कि जो आपने article लिखे हुए हैं उस पर आप vote कर सको। एक ऐसा plugin हो सकता है कि आपकी जो spam mails हैं, वो email जो है spam mails को detect कर ले। एक plugin हो सकता है जिस तरह ये मैं plugins आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको allow करे कि आप Gmail के through authentication कर लो। ठीक है, Gmail के through login कर लो। एक plugin, अच्छा दूसरे ये, अच्छा ये जो प्लगइन्स हैं जिस तरह कॉन्टेक्ट, पेज ब्रेक वगैरह वगैरह, यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द प्लगइन्स हैं ये हमें एडमिन साइड पर हम ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम ये यूज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आर्टिकल्स में जाता हूँ, ये सारे प्लगइन्स जो हैं ये आर्टिकल्स में यूज हुए हुए हैं। जब मैं नया आर्टिकल ऐड करने लगता हूँ हमें ये प्लगइन्स वहां पर नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं न्यू आर्टिकल करता हूँ और न्यू आर्टिकल पर जब मैं करता हूं तो ये जितने, मिसाल के तौर पर ये एक प्लगइन है, ये क्या करेगा, इस आर्टिकल के अंदर कोई दूसरा आर्टिकल मैंने ऐड करना है तो वो ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये वाला ऐड कर दो। ठीक है, अगर मैं इसको प्रीव्यू करूं तो ये यहां पर उस आर्टिकल का लिंक दे देगा। ठीक है, इसी तरह से ये रीड मोर, ये भी एक प्लगइन है। ये छोटा सा काम करता है, ये क्या करता है कि जहां पर रीड मोर हम ऐड कर देते हैं वहां पर एक बटन आ जाता है, उस बटन पर क्लिक करें तो वो आर्टिकल पूरा शो होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर साइड पर मैं प्लगइन्स जरा खोल लूं, ये प्लगइन्स मिसाल के तौर पर ये पेज ब्रेक का बटन बता रहा है, वो कह रहा है कि पेज ब्रेक का बटन ऐड कर दो। यहां पर ये पेज ब्रेक का बटन है, ये पेज ब्रेक जिधर ऐड करें वहां पर वो पेज ब्रेक आ जाती है। ठीक है, मॉड्यूल को ऐड करना हो, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल अगेन जो पीस ऑफ कोड हमने बोला था ना कि एक तो प्लगइन है, प्लगइन इस तरह की चीजें हैं जिस तरह की ये मैंने आपको शो करवाई हैं छोटी छोटी। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, वो आपकी मेनली डेटाबेस वगैरह से इंटरेक्ट करके कंटेंट वगैरह शो करवा रहे होते हैं या कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक मॉड्यूल है लॉगिन फॉर्म का। ठीक है, ये अगर मैं लॉगिन फॉर्म का मॉड्यूल क्या करेगा, यहाँ पर लॉगिन फॉर्म शो करवाएगा प्लस क्या करेगा, वो लॉगिन की फंक्शनैलिटी भी इसमें ऐड कर देगा। ये अभी यहाँ पर प्रीव्यू में शो नहीं होगा, इसको मुझे पब्लिश करना पड़ेगा। जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये एक यहाँ पर ये जो टेक्स्ट एडिटर हमें मिला हुआ है इसमें ये मॉड्यूल ऐड करने का एक प्लगइन है। इस पर मैं क्लिक करता हूं तो यहां से मैं मॉड्यूल ऐड कर सकता हूं। ठीक है, और मॉड्यूल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इनको अभी हमने डिस्कस करना है, अभी हमने देखे नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया क्या है कि ये आपकी डेटाबेस वगैरह से कॉन्टेंट वगैरह फेच करके दे रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कोई यहाँ से कोई और प्लगइन, सो बाय डिफॉल्ट शायद 90 प्लगइन्स हैं, 90 प्लस प्लगइन्स हैं जो आपके पहले से एक्टिवेट हुए होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर सर्च करने के लिए सैंपल डाटा, याद है जब हमने बिल्कुल शुरू में वेबसाइट इंस्टॉल की थी
तो ये इंस्टॉल किया था जूमला, तो वो कहता था कि सैंपल डाटा अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी विद द हेल्प ऑफ ये प्लग इन हो रहा था। ये प्लग इन का कोड वो कहता है, प्लग इन उधर शो होता है, वो कहता है कि आपने सैंपल डाटा ऐड करना है तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जो प्लग इन है ये ज्यादा आपको एडमिन साइड पर शो हो रहे होते हैं, और जो मॉड्यूल्स हैं वो ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर चीजें शो करवाने के लिए। मिसाल के तौर पर ये जो कोरोना वायरस का ट्रैकर मैंने यहाँ पर ये मैप लगाया हुआ है, ये बिल्कुल लाइव मैप है, ठीक है। और ये जो लाइव मैप है ये बेसिकली एक इसका मॉड्यूल है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसके लिए मुझे कोई कोड नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। पहली बात, ये सारा मैप बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कोड, कोई इसमें इतना लंबा काम लंबा है लेकिन मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, तो सिर्फ मैंने एक मॉड्यूल इंस्टॉल किया है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर, और ये कैसे किया ये भी बता दे, हाँ वो अभी हमने देख रहे हैं। ये मिसाल के तौर पर मैं मॉड्यूल्स पर क्लिक करता हूँ, मैं जब मॉड्यूल्स पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पर बता रहा है कि पहले से आपके पास जो मॉड्यूल्स इंस्टॉल हुए हैं वो ये हैं। एक पता है शुरू में लॉगिन फॉर्म शो होता था, अब नहीं शो हो रहा जी, ओके। वो लॉगिन फॉर्म का, हाँ वो लॉगिन फॉर्म का मॉड्यूल यहाँ से मैंने क्या किया हुआ है, अनपब्लिश किया हुआ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, वी आर लेफ्ट विद 5 मिनट्स आई गेस। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, इसके टाइटल को मैं हाइड कर देता हूँ, मेन्यू मैं कहता हूँ कि ओनली ऑन द पेजेस सिलेक्टेड। कौन से सिलेक्टेड, इसका क्या मतलब है कि मॉड्यूल असाइनमेंट का क्या मतलब है कि आप ये मॉड्यूल कितने पे, कौन से पेजेस पे दिखाना चाह रहे हो। तमाम पेजेस पे बाय डिफॉल्ट होता है तमाम पेजेस पे दिखाओ, नहीं मैं कह रहा हूँ ओनली ऑन द पेजेस सिलेक्टेड, कौन से पेज पर, होम पेज पर, ठीक है। इसको मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ, सेव एंड क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ अपनी साइट को रिफ्रेश करता हूँ, और ये यहाँ पर मुझे लॉगिन का मॉड्यूल जो है वो शो हो गया, ठीक है। ये तो थे कुछ बाय डिफॉल्ट जो मॉड्यूल इंस्टॉल हुए थे, लेकिन जो मुझे नए इंस्टॉल करने हैं वो किस तरह से कर सकता हूँ। मैं न्यू पर क्लिक करूंगा और ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मॉड्यूल टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिकल कैटेगरीज, ये मॉड्यूल आर्टिकल की कैटेगरीज को शो करवाएगा। एक तो ये तरीका कार है, ये कौन से मॉड्यूल्स हैं जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हैं। बाकी आप यहां से जाएंगे ना एक्सटेंशंस में, और एक्सटेंशंस में जाकर आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर वो ऑप्शन दे रहा होगा इंस्टॉल फ्रॉम वेब, इसको आपने चेक कर देना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन दे रहा होगा इंस्टॉल फ्रॉम वेब। ये सारे वो मॉड्यूल्स हैं जो वेब पर अवेलेबल हैं, ठीक है। सारी वो एक्सटेंशंस हैं जो वेब पर अवेलेबल हैं, इनको हम यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि जिनके साथ ये आपको डॉलर का साइन नजर आ रहा है ना, उसका मतलब है कि वो क्या है, पेड है, ठीक है। वो भी हम देख लेंगे कि हम ये पेड वाले फ्री किधर से निकाल सकते हैं। तो ये जस्ट अभी हम इनको प्रॉपरली नहीं देख रहे, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये इस तरह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रेलेवेंट चीजें चाहिए, मैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे वो बता रहा है कि ये एक प्लग इन है, एक ये सॉरी वो है एक्सटेंशन है, एक ये है, एक ये है, मुख्तलिफ किस्म की है। मिसाल के तौर पर ये आप अपनी वेबसाइट में सुडोको को चलाना चाह रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर से जो है आने वाले लेक्चर से देखना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल ये इसकी मुख्तलिफ जो है ऑप्शंस हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप इनसे खुद जरा खेलना शुरू करें। इट्स ओके, आपको एक साइट अपनी टेस्टिंग साइट बना लें और इन चीजों से खेलना शुरू करें। फॉर एग्जांपल जिस तरह कोरोना वायरस वाला मैंने ऐड किया, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं सिंपल ये लिखता हूँ कोरोना वायरस इन जूमला साइट, फॉर एग्जांपल ये लिख देता हूँ, तो वो मुझे कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि जी एक ये है, एक ये है, एक ये एक्सटेंशन है कोरोना वायरस की, उसके बाद ये भी एक्सटेंशन है, ये
कह रहा है कि ये कोरोना वायरस लाइव ट्रैकर फ्री मॉड्यूल है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यही वो इंस्टॉल हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक करके इसको यहां से मैं डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने उधर एक्सटेंशंस पर जाएंगे, एक्सटेंशंस पर जब जाके आप हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल में हमारे पास ये ऑप्शन है अपलोड पैकेज फाइल, ठीक है, अपलोड पैकेज फाइल की ऑप्शन है, इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो कोई भी इस तरह का मॉड्यूल जो आपने डाउनलोड किया होता है वो यहाँ से सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल ये था वो जिप फाइल होगी, उस जिप फाइल को डबल क्लिक करें। डबल क्लिक जब मैं करूंगा, ऑल्दो ये पहले से इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पर शायद वो मुझे एरर दे दे, तो वो इंस्टॉल कर लेगा। लेकिन खैर ये सारी चीजें हमने आने वाले लेक्चर्स में देखनी है, जस्ट एक आइडिया था कि आप को मैं जस्ट ये कहना चाहूंगा कि आप इसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, ठीक है, खुद से इसमें चीजें ऐड करें, खुद से इनमें देखें कि ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो आपको चीजें देखने जो है देखने को मिलेंगी। मिसाल के तौर पर टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स पर क्लिक कर दें तो ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं कि आपकी वेबसाइट की जो लुक है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसकी लुक को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो टेम्पलेट सिर्फ हमारे पास बाय डिफॉल्ट दो इंस्टॉल है, हम मजीद इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल पर जाकर, ठीक है, ये सारे काम कर सकते हैं। अभी क्वेश्चंस हैं तो अगेन वो व्हाट्सएप पर आ जाएं, क्योंकि इसका मीटिंग टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, बल्कि हो चुका है अभी, शायद चंद एक सेकेंड रह गए हैं। तो क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप पर आ जाएं, और जो हमारा क्विज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सिलेबस सर जी बता दें क्विज का, ये जो काम हम कर रहे हैं, जो ये इससे पहले लेक्चर में किया था, और ये आज वाला, आज वाला भी, हाँ जी आज वाला भी पिछले लेक्चर जैसा ही था, इसमें कुछ चलें ठीक है, ठीक है।